आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, रिश्तों के भी बन रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तो बनाते ही हैं, लेकिन रिश्तों के ग्रुप्स को सक्सेस ज़्यादा मिल रही है और वो लिंक धड़ल्ले से हर ग्रुप में शेयर करते जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं और ये लिंक्स फॉरवर्ड होते होते या फिर कुछ शरीर लोग या फिर कुछ ख़ास तौर से लोग ऐसे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर रहे हैं जहाँ पर है गंदे लोग, बुरे लोग। अब वो लोग जो है तो है अदर कंट्रीज़ से, जैसे कि बाहर से अजरबैजान, इस तरह से जो कंट्रीज़ के नेम से अलग अलग, तो वहाँ से होते हैं। अब वो लिंक के थ्रू में आ रहे हैं। अब वो आने के बाद जो है तो अचानक से 257 के ग्रुप्स में इस तरह से जब वो फुल हो जाता है तो उसमें भेज देते हैं अपनी गंदी लिंक्स और गंदगी। तो ऐसे में कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो जो इन ग्रुप्स को एक इस आस में ज्वाइन कर रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ रिश्ते देखने मिलेंगे, या फिर कुछ घर की ख्वातीन या फिर उन हज़रात की लिंक्स जाती है, तो फिर वो इसको किसी और ग्रुप में होते हैं वो निकाह के, तो वहाँ से उसे क्लिक कर कर ज्वाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये तमाम एडमिन से गुजारिश करूँगा कि अपने ग्रुप में किसी दूसरे की एक्सटर्नल लिंक ना आने दे, और अगर आती भी है तो उसको फौरी तौर पर रिवोक करने के लिए कहे या फिर रिसेट करने के लिए। हम जहाँ पर से किसी को जाकर रिमूव करते हैं या फिर सेंड करते हैं लिंक, तो वहीं पर एक नीचे ऑप्शन आता है रिसेट लिंक का। उस रिसेट लिंक पर क्लिक कर देने के बाद अगर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से अगर अच्छे लोग आ चुके हैं तो अब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा उन लोगों के लिए कि वो मज़ीद फॉरवर्ड हो। होता यूँ है कि ये लिंक फॉरवर्ड होते होते कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है, तो जब तक के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसको रिसेट कर दिया जाए। हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और आज भी हुआ, तो इस बार बहुत गुस्सा आया ना उन लोगों पर कि जो इन इस चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन एडमिस पर कि जो एक नेक काम के लिए तो ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसे संभाल नहीं सकते, ग्रुप की सेटिंग वो चेंज नहीं कर रहे, और उसकी वजह से वो एक बड़ा सवाब तो महरूम रह रहे हैं लेकिन वो बड़े गुनाह जारिया में मुलव्वस ज़रूर हो रहे हैं, और उसके बावजूद वो उन पर नज़र नहीं है। रात में 1 बजे अगर पोस्ट आता है तो एडमिन उठता है 11-12 बजे, और फिर जब जाकर उसको रिसेट भी नहीं करता ग्रुप की सेटिंग को, और उस बंदा वो तो लेफ्ट हो जाता है, फिर से वो क्लिक करके लिंक पर आ सकता है, उसके आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, या फिर वो नहीं तो कोई और। तो इस तरह से जब ग्रुप्स में ये लिंक्स जाती है तो इस तरह से हो सकता है। तो ये सबसे पहले तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ऐसा होता है कि एडमिन कुछ कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता है कि कोई ख़ास तौर से कर रहा है या फिर बेगैरती के तौर पे वो ग्रुप्स तो बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा इंसिडेंट पेश आता है तो वो वहाँ से लेफ्ट हो जाता है। तो हमारे ग्रुप्स के मेंबर्स क्या करते हैं कि ग्रुप का जो एडमिन करंटली बन गया है उसको जाकर बातें सुनाते हैं। तो वैसा ना करें, आप ये देखें कि क्रिएटेड बाय क्या है ग्रुप, और क्रिएटेड बाय जिसने किया है, अब ये ना करें कि जिसने फॉरवर्ड किया है उसकी कंप्लेंट ना करें, बल्कि उस एडमिन की कंप्लेन करें जिसने ग्रुप बनाया है और उसकी लापरवाही बढ़ती है। उसमें आप लगाएं कि ये एडमिन को ग्रुप चलाना नहीं आ रहा, ये लिंक्स भेज रहा है और ये इसकी लापरवाही है। तो पुलिस की तरफ से अगर उनको अगर एक तरह से चेतावनी भी मिल जाती है कि आप अगली बार ध्यान रखें, तो वो इस तरह से ग्रुप्स बनाने से बाज रहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संजीदा ये मसला है कि जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं है तो वहाँ पर इस तरह से वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसकी इस तरह से जहनों को जो है तो ख़राब करने के जैसे मैसेजेस उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो अब होता यूँ है कि जो लोगों ने देख लिया, अब उसका माइंड डाइवर्ट हो गया जो भी है या फिर जैसे भी है, लेकिन ये नुकसान किसका हुआ? हमारी कौम का हुआ। बेहयाई को फ़रोग़ देने में हम उसमें शामिल रहे, तो सबकी ज़िम्मेदारी है ये कायर की तरह ना भागते हुए सबसे पहले तो वो जो बंदा है उसकी भी कंप्लेन करते जाए साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर, और उसी तरह से एडमिन को भी जिसने क्रिएट किया है ग्रुप उसको करे, ना कि जो करंटली एडमिन है। हो सकता है कि आप भी कल को एडमिन बन जाए किसी के लेफ्ट होने पर बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप जो है तो क्रिएटेड बाय जिसने किया है उसका जीना हराम करे, उसको उसका एहसास दिलाए कि तूने गलत किया है, तू रिसेट कर लिंक और इस तरह से ना फॉरवर्ड कर हर जगह पर। अब
दूसरी बात यह है कि घर की ख्वातीन वगैरह ये सारी चीज़ें, अब जो लोग इस तरह से ना जा चुके हो तो उनका ये फ़रीज़ा है कि घर में जितने भी ख्वातीन हैं उनका मोबाइल लेकर, उनके व्हाट्सएप कौन से ग्रुप्स में हैं, किसके साथ वो चैट होती है, रिसेंट हिस्ट्री देखें, आर्चीव चैट देखें, ये सारे चीज़ें आजकल ज़रूरी है ताकि उनमें दबदबा रहेगा कि कोई है जो चेक करता है हमारे मैसेजेस। तो इस वजह से हमारी जो घर की इज्जतें हैं वो भी सलामत रहेंगी, और जो व्हाट्सएप की जो स्माइलिस होती है वहाँ पर जब आप टैप करते हैं तो रिसेंट स्माइलिस से समझ में आ जाता है कि कौन कौन से स्माइलिस यूज़ की हुई हो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग किस्म की स्माइलिस है, तो वो अपनी सहेली को भी कुछ भेज सकती है बाई चांस। तो बहरहाल उससे मगर कैरेक्टर आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस ओर जा रहा है, अगर मज़ीद उसमें अगर कुछ खिनौनी दिखाई देती है स्माइलिस। उसी तरह से क्रोम की अपने घरों के बच्चों के लेकर क्रोम में जाकर देखा करें और हिस्ट्री में भी जाया करें, और अगर हिस्ट्री से भी अगर कोई डिलीट करता है तो सेटिंग में जाकर, एक्टिविटीज़ में जाकर चेक किया करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको इस पर यह एक्शन नहीं लेना है, हमको रद्द अमल नहीं करना है कि सामने वाले को अब क्या करेंगे, उसको बातें सुनाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन हम इस हिसाब से उन पर नज़र रख सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि ये ख़तरे की तरफ जा रहा है, उन्हें हम बचाने में मदद कर सकते हैं। उसी तरह से जो सेटिंग होती है क्रोम की, वहाँ पर जाने के बाद सेफ सर्च में जाने पर फ़िल्टर जो है उसको प्राइवेट करें, हाइड एक्सप्लिट रिजल्ट्स करें और ऑटो प्ले को ऑफ़ कर दें। ये तीन ऑप्शन सेटिंग से जब आप कर देंगे तो कोई चाहकर भी ऐसी जगहों पर नहीं जा पाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है। ईमेल आईडी उसमें लॉगिन होना ज़रूरी है। बहरहाल ये चीज़ें 1994 के बाद जब से इंटरनेट लॉन्च हुआ है बहुत ही बढ़ गई है, और अब के दौर में तो मतलब बच्चों बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच रही है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स तो जाहिर यही है कि इससे बेहद मज़ीद फैलेंगी। तो सबसे पहले तो बच्चों के रिश्ते जल्दी करवाए, 15 साल की एज के बाद से ही देखना चालू करें, और अगर आप नहीं देखते तो अगर कुछ एक्टिविटीज़ में इस बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो साथ में गुनाह में आप भी शामिल रहेंगे। इसकी एहतियात करें और बच्चों को तरबियत में रखें, सही तरबियत दें, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, और अगर कोई ऐसा अगर कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व दिखाई भी दे तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाए और उससे ये वादा करवा के ले कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। तब जाकर ये समाज में हम अच्छाई आम कर सकते हैं। उसी तरह से आप ये वीडियो सबको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो कि इस तरह से ग्रुप्स लिंक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो लिंक्स के थ्रू कोशिश ये करें कि ग्रुप ज्वाइन ना करें। अगर अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर भी लेते हैं तो आप ये कोशिश करें कि ग्रुप की अगर सेटिंग ऑन है तो उसमें चेक कर ले सबसे पहले कहाँ कहाँ से लोग उसमें शामिल हैं। अगर वहाँ पर आपको बाहर से लोग दिखते हैं या फिर इंडिया के भी है या फिर आपको नामुनासिब लगते हैं तो वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाए और एडमिन से ये कहे कि आप ग्रुप की सेटिंग रिसेट किया करें। और उसी तरह से बहरहाल अभी तो ज़रूरत यही है कि रिश्तों के जो ग्रुप्स हैं, जो लिंक्स फॉरवर्ड ज़्यादा हो रही है उसके चक्कर में ना जाए। जजाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच।